जय माता दी। आप सब कैसे? उम्मीद करती हैं सब मजे में होंगे। तो वेलकम बैक टू मोर। तो आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैंने कल सरोज का ब्लॉग देखा था और मेरे से रुका नहीं गया। चाहे कुछ भी हो ना, चाहे भाई गंदा हो चाहे अच्छा हो, फिर भी दुख होता है। बच्चों को दुख हो रहा है, तुम्हारे को ही दुख हो रहा है, ये सोच लो। वो घर छोड़ के चली गई और वो ज़्यादा दुख हो रहा है कि घर छोड़ के चली गई, घर में कुछ भी नहीं रहा, आज कुछ भी नहीं रहा। और कालू को जैसे कि नशा मुक्ति में भेज दिया, उसी दिन भेज दिया था नशा मुक्ति में। अरे घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, जब सब कुछ उसका, तो घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है उसमें। हमारा तो कुछ है ही नहीं ना संदीप का, तो तेरा है, तो अपने घर में रह, अपना खा पिया ऐश कर, क्योंकि वो तो चला गया नशा मुक्ति में, तो हमेशा नशा मुक्ति में रहना है। पता चल गया कि ये नशा कभी भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी। जिस इंसान ने बाहर निकलते कुछ नहीं दिखता और उसको नशे नशे दिखते, ये नशा एक ऐसी चीज़ हो चुकी है, वो ज़िंदगी भर भी नहीं छोड़ सकता इस नशे को, ज़िंदगी भर भी। ये सबसे गंदा नशा है, सबसे गंदा नशा यही है कि वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। चाहे उसको मार लो, चाहे काट लो, चाहे कुछ भी कर लो। उसने अपनी हालत भी ऐसी कर रखी थी कि शरीर सारा काट काट के बहुत बुरी हालत कर रखी थी उसने अपनी। और संदीप ने पता चला तो संदीप ने उसी टाइम नशा मुक्ति में गिरवा दिया था। उसी टाइम निकलवाया नू था कि बर्थडे पे आ जाएगा और बर्थडे पे रह लेगा, ये इस तरह निकलवाया था। ये ना सोचो कि मैंने संदीप से बात की है कि नहीं, मैंने सिर्फ ब्लॉग ब्लॉग देखा ना, तो मेरी संदीप से बात होने लग रही ना, मेरी कालू की फैमिली से बात होने लग रही। सिर्फ मैं राजी खुशी का बेरा लेती रहती चारों तरफ से कि ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं किसी की सपोर्ट नहीं ले रही, ना तो संदीप की ले रही, ना मैं कालू की सपोर्ट ले रही। बस ये कह रही हूँ भाई, कालू ने तकरीबन 15-17 साल हो गए नशा करते हुए और सारा खर्चा कौन उठा रहा है? संदीप उठा रहा है। देखो संदीप ने भी मदद की है, पूरी मदद संदीप ने की है। हमारा कुछ भी रोल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी। वो इतने छोटे से लेकर बड़े बच्चे संदीप ने किए हैं उसके। आज ऐसा ना भूल जाओ, वैसे कितना ही भूल जाओ कि मेरा नहीं किया। जो बात होगी ना मैं वही कहूँगी, ना तो मेरी संदीप से बात होने लग रही, झूठ नहीं बोलती मैं आगे माता जी के आगे बैठी, ना मेरी किसी से बात नहीं होने लग रही। पर दुख होता है जो बंदा करता ना, तो और उसको कोई बोले तो कुछ भी हो, दुख होता है भाई। और उसने क्या 15 साल से ये सोच लो संदीप ही कर रहा है। वो क्या हो गया कि 1-2 सलवार सिलती है, वो तो तकरीबन बीमारी रहती है मेरी की तरह। फिर भी मैं खुद का मेरा मैं ही करती हूँ। हाँ एक बात है, मेरा सारा लगाया था ब्लॉक बनाने का संदीप ने, और सारा खर्चा मैं मेरा खुद से उठाने लग रही। चाहे संदीप के से भी पूछ लेना भाई कौन उठाने लग रहा, सारा मेरा खर्चा मैं उठाने लग रही हूँ। हाँ संदीप का खर्चा, वो उसका सरोज का खर्चा सारा संदीप उठाने लग रहा है। हाँ ये बच्चे बड़े हो गए, वो मैं कह नहीं सकती बच्चे बड़े होकर के करेंगे के नहीं। और मैं तो ये कहूँ कि अपने काम धंधा लग जाए सही तरिया। और पर जिसने इतना करा था उसका शान थोड़ा बहुत है ना जिंदगी में होना भी चाहिए। रही बात कोर्ट कचहरी तक घर लेंगी, कोर्ट कचहरी तो सोच कोई फायदा नहीं। अपना तेरा घर है, तू किसे तैयार है? हम तुम्हें भी कहना लग रहे, हम तेरी मदद चारों तरफ से मदद करेंगे भाई, हम खुद खड़े हाँ। मैंने उधर भी कालू ने इतनी बुरी हालत की, रात के 1 बजे मैंने फ़ोन किया तो सरोज ने मेरा फ़ोन उठा, हिमांशु ने मेरा फ़ोन उठाया था तो हिमांशु ने मेरे ना बात की, मैं बेटा ठीक करूँगा ना, वो अजीब हो गया। फिर उसकी मम्मी पीछे से नज़र भी आई, बोलती हुई कुछ कुछ बोलती हुई। फिर मैंने उसी टाइम में 1 सेकंड के अंदर फ़ोन रख दिया, मखा कलेश करवाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारी ज़रूरत नहीं तो नहीं है भैया, हम तो जान की टाल कर देंगे। एक सूट की ज़रूरत है हमने, वो भी टाल कर देवांगे। हमने किसी सूट की ज़रूरत नहीं है, किसी के काम की ज़रूरत नहीं है कि हमने कोई कमा के खुआओ। हमारा खर्चा खुद चल रही, मेरा 2 महीने हो गए, मैं इतनी बीमार हो रही हूँ। मैं कभी भी ये नहीं दिखाती कि वो लोग मैं इतनी बीमार हूँ नहीं, मास्क के ब्लॉक बना देती हूँ। और रही बात सबसे गंदा काम क्या हो गया हमारे घर में, ये ब्लॉक बनाना था ज़िंदगी में किसी ना भी नहीं आना था, किसी ने भी नहीं आना था। मैं तो ये की बात बोलूँगी क्योंकि है ना, पहले ना फ़ोन पर बड़ास निकालते थे और अब सीधी यूट्यूब से बड़ास निकालने लगे, क्योंकि यूट्यूब पर इतना बेशर्मी खड़ा रखी है ना पूरी। उसने मेरे से लगा लो मेरी वीडियो डाली थी कालू ना, चाहे नशा करके डाली हो चाहे कुछ भी डाली हो, आज सोशल मीडिया का आगे नो है, मुंह दिखाने के लायक तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। चाहे किसी के थ्रू डाली हो वीडियो, उसने डाली है पी के डाली है, किसी तरह डाली है, तो उसका दर्द कितना हो रहा है आज तक नहीं भूल पा रही मैं उस बात को। कितने साल हो गए, 1 साल हो गया पूरा, तो मैं आज तक नहीं बोल रही उस बात ना, मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता, क्योंकि 24 घंटे वही दिमाग में बात घूमती है। एक बार उन्हें निकाल तो दे, और वो अब सहनी मुश्किल हो रही है। ये बात करूँ कि YouTube पर कुछ भी ना डालो ना, कोई नाराजगी सरोज अपनी तो किसी से नाराजगी नहीं है। अपना घर बसा, वो तो नशा मुक्ति में रहोगा, सारी उम्र नशा मुक्ति में रहना। तेरा घर है किसी तरह, संदीप तो नए की बेगो नहीं कवर,
मन नु बेरा च मैं बात नहीं करने लग रही उससे, राम राम करती हूँ पर मैं उसकी सपोर्ट नहीं ले रही, पर वो ना तुम्हारे बच्चा खतर मरा है भाई, इतना पता मैंने, चाहे वो तुमने गाल दुपड़ देता चाहे कुछ भी देता, सिर्फ तुम्हारे लिए करा है वो भाई, ये कर ले वो कर ले तुम्हारी, वो उसका आस्ते सोलह 10 साल पहला बैलेंस नहीं था संदीप का, तो वो भी वो मतलब खर्चा चलाया करता तुम्हारा, खुद मेरे हाथों मेरे भेजे हो रहे उसने पैसे, खुद मेरे हाथों मैंने भिजवाए हो रहे हैं कि मेरे पास रखे थे, संदीप का फोन आता है कि यहाँ से तू 20,000 भिजवा, जब संदीप का 54 का बैलेंस नहीं था, 54 का बैलेंस नहीं था, उन्होंने सोलह 50,000 मेरे अकाउंट में पड़े थे, मैंने वो संभाल के इतने रख रखे थे कि मौका कभी काम आ जाए, तो मेरे हाथों मैंने 20,000 भिजवाए थे वो। मैं तो यही बोलूँगी तेरा घर बार है, कोई कोर्ट कचहरी मत करे, तेरा सामान है किसे तरिया तू ले, किसे तरिया तू रहे, किसे तरिया कुछ भी कर भाई, इस रोज हमारा बीच में रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है, हमारा तो एक ही रोल है कि कभी प्यार दी रात न टोक दिए उसी टाइम खड़े मिलेंगे, चाहे कितनी बदनामी हुई हो मेरी, कितनी भी हुई हो, हम ही सारे ही खड़े मिलेंगे, तीनों का तीनों जड़े, सुनीता भी ऐसी गंदी नहीं है कि वह खड़ी नहीं मिलेगी, वह आप ये बोल के साथ आ जाएगी, मेरी उसके साथ 50 बार हुई है, मैं बीमार हुई तो आई है ना, अरमान के साथ मेरी होगी थी, ज़्यादा भी नहीं हुई थी, होगी थी, वो भी मैंने करनाल का पता चला उस टाइम मिलन खतरा है, कोई बात को नहीं, गिले शिकवे दूर हो जाए भाई, धीरे धीरे हर चीज़ दूर हो जाए, रही तेरी बात तन्ना भाई अपना कदे फ़ोन नहीं करा, और हिमांशु कुछ कुछ टोंट मारता रहता है, कल भी तो कल परसों भी तन्ना अपने माइक के जार दीजिए बोला था कि नंदा ने कितना दे लो, तो भी नुकदिंग मारती कुछ को दिया, कभी भी नहीं बोला हमने ये बात, कभी भी नहीं बोली, सरोज हमने माइक आगे बैठी हूँ मैं अजोत तो लग रही है खंड जो झूठ नहीं बोलती है, कभी भी हमने ये नहीं बोला कि मारे भाई कुछ नहीं देते, अगर एक दिया तो 4 बार बोला है, यह कहूँ जावा तो मारी इतनी इज्जत करी है, बेहद इज्जत करी है भाई, हम नहीं बोलेंगे नहीं करी, जावा तो करी है, पर ये मत बोलो कि कोर्ट कचहरी से लेंगी नू लेंगी, तेरा घर है किसे तरिया रह सरोज तुम, किसे तरिया, बहुत दुख हो रहा है सुनकर, कल की मैं खाट में पड़ी हूँ कि तनु भी लग का फंड कर दी होगी ना, मेरा बहुत बुरा हाल है, तनु से पूछ लिए मेरा ब्लॉक भी नहीं आ रहा है, और आज फोन नहीं उठाने लग रहे तो नू सोच लो ब्लॉक के जरिए बताने लग रही हूँ कि तुम खुश रहो, बिल्कुल खुश रहो, संदीप का आज गुस्सा है कल को नहीं, तुम्हारा आज गुस्सा है तो कल को नहीं, मेरा गुस्सा आज है तो कल को नहीं, क्योंकि एक रिश्ते ऐसे हैं ये बहन भाई के रिश्ते, कभी भी दूर नहीं होते, कभी भी दूर नहीं होते, रिश्ता ऐसा बना दिया, पर जिसे न करे ना उसका शान मत बोलो, मत यही बात बोलूँगी कभी ना कभी है ना उसका शान बोलो कि तेरे और जोड़ बच्चे कर दिए, चल तन्ने भी काम कराया, मैंने नहीं कहती तन्ने काम नहीं कराया, तन्ने भी काम कराया, पर उसने भी मत बोल भाई जिसने इतना कर दिया, नशा मुक्ति में पैसे कौन पहुँचवाने लग रहा है संदीप, सिर्फ वो नू की जिंदा रहा जाए, पीछे इतनी लाश की लाश पड़ी थी, उसने फिर भी सोचा भिजवा दूँ, और उसका ऐसा मन है कि उसका दिल को लगता हुआ दो दिन नमक डोहा ले कि आज भी सुधर जाएगा, मेरे से लगा ले ची आप पे, मेरे से मैं भी किसी नंदर करवाऊंगी तो नू सोचूंगी बाहर निकलवा लूँ, कभी तो सुधरेगा ये, तो उसकी सोच यही है कि उसने नू सोचा कि जन्मदिन पा जाएगा कि थोड़े गिले सीखे हुए दूर हो जाएंगे, अपना आकर थोड़ा मन मिल जाएगा, पर उसका दिमाग में कभी नहीं घुसती संकालूगर कि मैं घर बसा लूँ, के पता के है उस घर में, मना नहीं पता के चक्कर है, मारे सारे अद मौत इस तरह मरे हैं, मैं तो ये बोलूँगी पापा गया इस तरह, दादा गया, मम्मी गई, अरे उसका नंबर हो रहा है, तू तो घर छोड़ कर चली गई, वो घर किसके काबिल है, कुछ भी नहीं, चल लड़ाई हो ची तो भी तुम्हारा ब्लॉक में खुशी दिखा तुम्हारे वर्ग करूँ तो जो है खुश तो है, चाहे कितने गिले शिकुए हो तो अभी लोग में तुम खुश दिखो ना, तुम्हारी इतनी खुशी हो जाए तत्न हो जाए, अपना पतो लोग जलते होंगे, कोई कौन जलता भाई सरोज, कोई भी तेरे बच्चा ना पढ़ा लिखा, मत यही बोलूँगी अपना घर छोड़ कर मचा, अपना घर में वापिस आ जा, कालू तो गया नशा मुक्ति में साल के लिए करवा दिया उसको, और छूटेगा तो अभी उसका तो कुछ नहीं पता, दोबारा करवा जाए फिर अपना भी नू है, नू सोचा बाहर निकला जाए खुश रह लियो, पर वो खुशी के लायक नहीं है, वो कौन खुश रह सकता, उसका नशा एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि वो जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे उसकी मार लो अच्छा छोड़ लो अच्छा जीता मार दो भाई उसने, वो नहीं छोड़ सकता सरोज, अरे बात तेरा साथ की, तेरा साथ में चारों तरफ से खड़े हैं, और ये नहीं है कि वो लोग मैं एक बार बोल कर देख हम तो फिर भी आ जाऊँगे, एक बैठ तो इसी चीज़ बना दी चुकर तो हम पीछे बैठे हैं, हमारा कोई रोल नहीं है ना, लेने के भूखे ना कह के भूखे, ना मासी गई ना मैं चंडीगढ़, क्योंकि पिछली बात तक भूले कुल ना गई मेरे तो, मैं तो लेन की भूखी को नहीं कि मेरे आज पास 5 सूट दे दो 6 सूट दे दो है, मेरा सिर्फ वो बात इसी चुभ रही है कि मेरा ना आज उस बात का गा इतना बढ़ना है कि मैं बीमारी तय उठ नहीं पा रही, तुमने सोचा कि बीमारी है ना,
बात इसी बोल दी थी कानून ने, वह बात का घास तक नहीं भरा है। फिर भी चुप हाँ कि भाई तो भाई हो है और वाकई में भाई है भाई। मैं तो यही कहूँगी बस वो नशा छोड़ दे पर वो नहीं छोड़ेगा सरोज अपना आका बस आ ले भाई। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी कि सोचा दीदी नवी उस खातर वीडियो बना दी ना जी दुखी हो रहा है जो करनू हो रहा है कि छिक कर रोला कोई है ही नहीं जिंदगी में कोई भी नहीं है कि इन कह दे कि तुम आओ तो बैठो उठो। आज का दिन इतना वो है कि कोई किसी का नहीं है कोई भी। फिर भी जिसने कराया उसका शान मत बोलो, हमने तो कुछ नहीं करा भाई, हमने तो जिंदगी में किसी का कराया कोई और तेरा तो कराया भाई सरोज। अब तो मैं संदीप से बात नहीं करना फिर भी मैं कहूँगी उसने तो तेरा कराया चौड़े दिखना कराया तेरा कराया। और तू तो उसकी माँ है किसम की संदीप की देखती माँ का दर्जा दे बेहद माँ का दर्जा दे तो ना तू 24 घंटे माँ का रूप में देख अगर लड़ाई भी हो जाए तेरी मेरी इतनी लेगा सरोज वो बेहद मेर लेगा तेरी। चाहे तू गुस्सा में तो उसके बारे में कुछ भी बोल दिए कुछ भी पर वो तेरी मेर लेगा 24 घंटे बाहर से भी लड़का वो तेरी मेर ले जावा है कि ना वो आलू भाई बच्चे कुकर पा रही और कालू ना तो इतना गुस्सा है बेहद गुस्सा है भाई। और मन तारी बात का मेरा नेता मन में ये है कि नहीं बस हम तो इतना ही कहूँगी मैं तो ब्लॉक के चलिए भाई सरोज अपना रह ले घर में कोर्ट कचहरी के मत कर और अपना घर संभाल ले वो तो गया नशे में और अब नशा मुक्ति में और अपना घर में रह ले किसी तरह हमारा कोई रोल नहीं उस घर में। तो गाइस आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलो और मत रुको यूट्यूब चैनल कोई भी ना भूलो भाई जिसके जरिए से हमारी बेइज्जती हो कुछ भी हो लगा लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि अपना यूट्यूब चैनल ही खत्म कर दो इन चीज़ आता तो ब्लॉक में कि फोन ना तो लड़ाई खड़नी चालू कर दो कि फोन ना तो कम से कम लड़ तो लोगे अपने आप तक फोन ना तो वहां तो निकट जाया कर दी ब्लॉक में वो बस गुस्सा में बोल ब्लॉक डाल दे वहां उसकी भरपाई जिंदगी भर भी नहीं होती कि आप ब्लॉक में के गंदा बोलन लग रहे सोच समझ कर नहीं बोलते आप ब्लॉक में के बोलन लग रहा है के नहीं बोलन लग रहा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँ सरोज हम तेरे साथ खड़े हैं किसी दिन बुला लिए चाहे लड़ाई हो रही है तो भी बुला लिए।